किसानों के विरुद्ध लाए गए अध्यादेश और एमएसपी लागू न करने के विरोध में आज किसान कांग्रेस ने बहराइच विश्वेश्वरगंज के गांधी चबूतरा गंगवल बाजार के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ उपस्थित कांग्रेसजनों ने गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करके प्रधानमंत्री से तत्काल किसान विरोधी अध्यादेश वापस लेने की मांग की। इस मौके पर जटाशंकर चौधरी, उमेश तिवारी, रमेश चंद्र मिश्रा के साथ कई लोग मौजूद रहे। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट। कृषि विधेयक बिल का विरोध कर रहे किसानों ने जनपद बुलंदशहर के खुर्जा नगर में पुरानी जीटी रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर अपने ट्रैक्टर खड़े कर बीच में चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। तो वहीं मौके पर सीओ सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन खुर्जा एसडीएम लवी त्रिपाठी को सौंपा गया, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के साथ करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन ने शहर के सीओ व खुर्जा एसडीएम रवि त्रिपाठी की मौजूदगी में जाम को खुलवाया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी बाहरी बल के साथ मौजूद रहा। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। लखीमपुर निघासन खीरी क्षेत्र में पत्रकार बनकर वसूली कर रहे आधा दर्जन ठगों पर ग्रामीण भारी पड़ गए, जो कि खुद को संपादक एरिया इंचार्ज बताकर वसूली कर रहे, जिनके पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि ये लुटेरी लुधौरी, खमरिया, दुबहा, ब्राह्मणपुर समेत कई गांव में प्राइवेट डॉक्टरों, कोटेदारों, प्रधानों व होटल व्यवसायियों को भी निशाना बना चुके। तो वही वसूली किए गए पैसों को लौटाने व भविष्य में वसूली न करने की बात पर ग्रामीणों के द्वारा उन्हें छोड़ा गया। लखीमपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता राहुल गुप्ता की रिपोर्ट।